नमस्कार, मैं प्रेरणा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू की सब्जी। ये हम डोसे के अंदर भरने के लिए बना रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। इसके लिए आपको चाहिए आलू। ये मैंने बड़े साइज़ के 5 आलू लिए हैं। इनको मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है बॉईल करके। उसके बाद मैंने ये लिया है 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, अनियंस। इनको मैंने इतने बारीक मोटे काट लिए हैं। आपको चाहिए कड़ी पत्ता। हरी मिर्च मैंने 6 लिए हैं, इनको भी छोटा छोटा काट लीजिए। नमक लिया है, हल्दी ली है, कोरिएंडर पाउडर लिया है, थोड़े से धनिया लिया है मैंने, ये देखिए सूखा धनिया, और ये राई के दाने ले लीजिए, और थोड़ा ऑयल ले लीजिए पकाने के लिए। आइए अब हम इसे पकाते हैं। अब सबसे पहले आप गैस को ऑन करके इसमें कढ़ाई चला लीजिए, फिर इसमें आप तेल डालिए। तेल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए कि आलू अच्छे से फ्राई हो। अब इसका गर्म होने का वेट करिए। जब ये गर्म हो जाता है तो इसे इस तरीके से चेक करके देखिए। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये जो हमने राई के दाने और रखे थे, ये हम इसमें डाल देंगे। जब ये हल्के से ऐसे चटकने लग जाए, इसमें से आपको आवाज़ आने लगे चटकने की, तब आप इसमें प्याज डाल दीजिए। हरी मिर्च और कड़ी पत्ता जो आपने रखा था वो आप इसमें डाल दीजिए। अब आप इन प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने दीजिए, ज़्यादा आप इसे ब्राउन मत होने दीजिएगा, बस हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। अब इसे हम आधा मिनट तक, ज़्यादा देर मत इसको पकाइए, सिर्फ आधा मिनट, 30 सेकेंड करीब आप इसे थोड़ा सा हिलाते हुए पकाते रहिए। ये देखिए अब हो चुका है, ये हल्का सा पक चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू आप एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए कि पूरे आलू में अच्छे से ये मसाला लग सके। देखिए इस तरीके से जब मसाला लग जाए तब आप जितने बचे हुए आलू हैं वो डाल दीजिए इसमें, और इसको तब तक पकाते रहिए जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। अब इसे आप तेज़ फ्लेम में एकदम पकने दीजिए, और बार बार हिलाइए मत। पहले थोड़ा सा ये नीचे से अच्छे से पक जाए, फिर इसको आप मिलाइएगा। ये देखिए इसको, ये नीचे से पक चुका है। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए, और थोड़ा सा इस तरीके से अपने तर्जन से इसको थोड़ा दबा दीजिए। देखिए कम से कम आप इसे 10 मिनट तक पकाते रहिए, बिना ढके से आप पकाते रहिए 10 मिनट तक, और बीच बीच में हिलाते भी रहिए कि नीचे से ये जल ना जाए। ये हल्का हल्का सा बस इस टाइप से ब्राउन ब्राउन सा आलू हो जाए तब इसे आप पलटा दीजिए ऐसे। जलने बिल्कुल मत दीजिए, तेज़ फ्लेम में इसको करिए। अगर आपको लगता है ज़्यादा तेज़ हो गया है, जल रहा है, तो आप मीडियम फ्लेम कर लीजिए, लेकिन इसको ढकिए मत बिल्कुल। बिना ढके इसे आप इस तरीके से पकाते रहिए। ये देखिए ये 10 मिनट हो चुके हैं, और ये मेरे ये जो आलू है ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, पक चुका है। ये देखिए इसी तरीके से आप भी बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आई होप ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।